हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सर्वर के बारे में कि सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भैया सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर क्रैश हो गया है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, हम वेबसाइट में विजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें क्या होती है, सर्वर के बारे में आज डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वर क्या होता है, एक्चुअल में ये नॉर्मल सा शब्द है। अगर इसे हम नॉर्मल भाषा में समझे तो जो कोई भी हमें कोई सर्विस या फिर कोई चीज प्रोवाइड करता है उसे सर्वर कहते हैं। जैसे कि हमें इंटरनेट से कुछ चाहिए तो हम इंटरनेट पे तो कनेक्टेड है, लेकिन वो चीज हमें कौन देगा, कोई देने वाला भी होना चाहिए। अब वो कोई आदमी तो उठा के हमें दे नहीं सकता कि भैया ये लो, आपने ये मंगवाया था और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डिलीवरी बॉय टाइप का काम तो इसमें हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मशीनों की, मशीनों से मेरा मतलब है कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स ही होते हैं सर्वर, जो हमें किसी सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे जो भी रिक्वेस्ट होते हैं उन्हें वो पूरा करते हैं। अगर टेक्निकली भाषा में हम इसे समझें तो सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है किसी नेटवर्क का, जो उस नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उनके रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम करता है। यानी कि उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे, वो जो कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे उसे पूरा करने का काम आपका सर्वर करेगा। अब थ्योरिकली आप ये तो समझ गए हैं कि सर्वर क्या होता है, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा इसमें कि भैया आप जब भी सर्वर का नाम सुनते हैं आपको आपके मन में कुछ इस टाइप की फोटो आ जाती होगी, इतना बड़ा भैया सर्वर है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये बात सही है, लेकिन इतना ना हो तो भी एक सर्वर काम कर सकता है। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है। ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ये डेटा कैपेसिटी का होगा, लेकिन कम डेटा कैपेसिटी का भी ऐसा नहीं है कि आप सर्वर नहीं बना सकते हैं। आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि उसका प्रोसेसर बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए एक सर्वर का, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। वहीं उसका रैम कैपेसिटी भी ज्यादा होना चाहिए, वहीं उसका डेटा कैपेसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। कुल मिला के वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, तब आपका सर्वर काम का होगा, वरना स्लो सर्वर का आज के टाइम पे कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वही मैं बात करूं सर्वर के काम करने के तरीके की, तो इसमें इंटरनेट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। यानी कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि ये आपका सर्वर है जो बीच में यहाँ पर है। अब इस सर्वर से ये इतने सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ये वाला कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो हैं वो सारा डेटा इस सर्वर से ले रहे हैं, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए। अब हम सोच रहे होंगे कि भैया हम घर में ही अपना सर्वर बना लेते हैं और अपना जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है 10 MB/s, मान के चलिए नॉर्मल स्पीड यही होती है सारे घरों के ब्रॉडबैंड की 10 MB/s, तो इतनी स्पीड में अगर हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे तो भैया अब मान के चलिए कि एक 2 MB की इमेज है, सिर्फ 2 MB की। अब 2 MB की इमेज को ये सारे कंप्यूटर जो इसमें कनेक्टेड हैं वो इसे एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन अब ये भी 2 MB कंज्यूम कर रहा है, ये भी 2 MB कंज्यूम कर रहा है, ये भी 2 MB कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पर लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। 8 कंप्यूटर्स मतलब 16 MB इसको चाहिए डेटा को अपने पास लेने के लिए, लेकिन है हमारे पास कितना, सिर्फ 10 MB/s। तो क्या होगा, इससे आपका सर्वर स्लो हो जाएगा। हम जो बोलते हैं कि भैया सर्वर मिल नहीं रहा है, सर्वर डाउन हो गया है, वो यही है कि भैया हमको इतना ज्यादा इसमें ट्रैफिक आ गया है कि इसे 16 MB की जरूरत है, लेकिन हम इसे दे पा रहे हैं सिर्फ 10 MB। तो वो जो बीच का गैप है वो कैसे भरेगा, पहली बात तो ये कि ये 2 MB जो स्पीड से होने वाला था उसे ये कम कर देगा कि भैया धीरे धीरे जाओ, तुम सबको देना है, हमको सबको शेयर करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया हमारे पास 10 MB है, हम 5 कंप्यूटर को पहले दे देते हैं, बाकी को स्पेयर में डाल देंगे, बाकी का जो 3 बचा हुआ है वो फिर उसके बाद दे देंगे हम उसको। तो ऐसा सर्वर के साथ भी होता है। सर्वर के लिए बहुत ज्यादा फास्ट इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, अगर इंटरनेट स्लो होगा तो सर्वर भी स्लो ही काम करेगा। इसी वजह से ही सर्वर डाउन होता है। हमें लगता है कि भैया सर्वर मिल नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में मिल रहा होता है,
लेकिन उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, बोल के वो धीरे काम कर रहा होता है। अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि भैया गूगल में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, गूगल में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक है, करोड़ों लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन उसका सर्वर तो कभी डाउन नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया गूगल के जो सर्वर्स हैं वो सिर्फ एक सर्वर नहीं है, गूगल बहुत सारे सर्वर्स यूज करता है। जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे सर्वर्स यूज करती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि गूगल के इतने सारे सर्वर्स हैं। अब गूगल फास्ट इतना क्यों है, क्यों इतना फास्ट हम कोई भी चीज सर्च करते हैं और वो तुरंत हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो मान के चलिए आप इंडिया में हैं, कहीं पर भी यहां पर से आपने कुछ सर्च किया गूगल में, अब गूगल यहां से जाता सीधा अमेरिका, वहां पर से फिर वो चीज वापस आती और आपको डेटा प्रोवाइड करवाती, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता। इसने अब बना के रखा है, यहां पर दिल्ली में भी एक है, मुंबई में भी एक है, सर्वर अपने यहां बना के रखे हुए हैं ये पहले से, तो आप जहां पर सबसे पास होंगे ये सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्शन से मतलब मेरा ये है कि जब आपको कोई डेटा की जरूरत पड़ेगी तो ये जो सर्वर्स हैं वो सबसे पास का सर्वर जो होगा वो आपको डेटा प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां से आपको सर्वर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसी तरीके से गूगल काम करता है, उसके सर्वर्स इतने फास्ट इसी वजह से ही होते हैं, साथ में फास्ट इंटरनेट। तो भैया गूगल के पास फास्ट इंटरनेट की कमी तो होनी नहीं है, तो ये आपको डेटा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब वहीं आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि क्या हम अपना खुद का सर्वर नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल, आप अपने खुद का सर्वर बना सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को भी एज अ सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फास्ट इंटरनेट आपको चाहिए होगा, आपका सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर में दम होना चाहिए, रैम ज्यादा लगा होना चाहिए, फास्ट रैम होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डेटा स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इससे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए घर में सर्वर बनाना सही नहीं है। अगर आपको सर्वर की जरूरत है, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं या फिर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो इसके लिए आपको सर्वर किराए पे लेना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्वर को रेंट में देती हैं, वो ज्यादा बेनिफिट होता है बजाय खरीदने के। तो वहीं अब हम ये समझ लेते हैं कि सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो सर्वर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ मेन टाइप्स हैं जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इसमें फर्स्ट है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो है वो आपके फाइल्स के ट्रांसफर के लिए होता है, ये FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। FTP जो भी फाइल्स आप ट्रांसफर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं वो सारे चीजें फाइल सर्वर ही आपका प्रोवाइड करवाता है। वहीं सेकंड में आता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर। तो कोई भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, या फिर कोई गेम आप खेल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम्स जो हैं वो ऑनलाइन चलते हैं, वो सर्वर में ही होते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि भैया आप इसे खेल सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो सारी चीजें होती हैं वो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती हैं। वहीं थर्ड सर्वर है हमारा मेल सर्वर। मेल सर्वर आपके सारे मेल्स को देखता है, यानी कि आप किसी को मेल भेज रहे हैं या फिर मेल कोई रिसीव कर रहे हैं, वो सारी चीजों को मेल सर्वर ही आपका प्रोवाइड करवाता है। ये सर्वर जो है वो SMTP प्रोटोकॉल का यूज करता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है हमारा वेब सर्वर। अब ये ऐसा सर्वर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। आप कोई भी चीज वेब में ब्राउज कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं, आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं, यहां तक कि आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी डेटा में स्टोरेज होगा। मैंने तो ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया, वो कहीं किसी सर्वर में रखाया हुआ है सेव। अब जब आप इसे अभी भी देख सकते हैं, साल भर बाद भी देख सकते हैं, जब भी आप इसे देखेंगे तो आप उस सर्वर का यूज कर रहे हैं और उस सर्वर का यूज करके आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। तो सर्वर मेन ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है वेब सर्वर। ये वेब सर्वर जो है वो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है, इसी के थ्रू आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर क्या होता है, यहां पर आप जो भी चीज डेटा के तौर पे सेव करके रखे हुए हैं, जैसे कि आपकी कोई इमेज हो गई, आपने गूगल ड्राइव में सेव करके रखा है, या फिर कोई वीडियो है, या फिर कोई MP3 फाइल है, कोई गाना है, कोई भी चीज हो जो आपने क्लाउड स्टोरेज वगैरह में सेव करके रखी हुई है, वो सब यहीं सेव होते हैं इस डेटाबेस सर्वर में।
और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आप डेटाबेस सर्वर से अपने उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि सर्वर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि भैया इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका बैकअप। जो सर्वर है वो आपको बैकअप प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आप सर्वर में कोई चीज रख दीजिए उसके बाद आप उसे भूल जाइए, आपके अगर फोन में नहीं है या फिर आपके सिस्टम में नहीं है या फिर आपके कंप्यूटर में वो चीज नहीं है, तो वो बैकअप आपको आपके सर्वर से मिल जाएगा। कोई भी उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है, उस आईडी पासवर्ड का यूज करके आप क्लाउड स्टोरेज से अपना वो डेटा फिर से रिकवर कर सकते हैं। दूसरा है इसमें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है आपका जो सर्वर है वो, यानी कि आप जब भी अपने किसी डेटा को क्लाउड स्टोरेज में सेव करेंगे तो वो सिक्योर रहेगा कि भैया वो डेटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप जिसको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपने किसी को अपनी आईडी पासवर्ड दे दी है तो वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसके अलावा उस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो डेटा सिर्फ आपका है। उसके लिए सिक्योरिटी दे रहे हैं वो कि भैया उसके अलावा और कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। थर्ड है इसमें हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है आपका सर्वर आपको, यानी कि अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि भैया आपको सिक्योरिटी स्टोरेज की ही तो सिक्योरिटी दे रहा है, तो जो भी स्टोरेज है आप उसमें वहां पर जाके यूज कर सकते हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और चार्जेबल भी हो सकता है। अगर आप कम स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत सारे डेटा की जरूरत है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं, लेकिन आपको स्टोरेज मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हर चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता ही है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन इसका डिसएडवांटेज है, फर्स्ट है सर्वर फेलियर। अब सर्वर फेलियर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भैया आपका सर्वर डाउन हो सकता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि जब इंटरनेट स्लो हो या फिर बहुत सारे लोग एक साथ उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें या फिर आपका सर्वर छोटा है और उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक साथ आ गया है तो फिर सर्वर डाउन हो जाता है या फिर ये सर्वर कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये इसका डिसएडवांटेज भी आप मान सकते हैं। वहीं इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत महंगा है, यानी कि मोर एक्सपेंसिव। तो भैया ये जो है बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, आप ये सोच के देख लीजिए कि उसे 24/7 अपना काम करते रहना है, ये बंद नहीं हो सकता। अगर बंद हो जाएगा तो आपका वैसे ही सर्वर फेलियर में आ जाएगा, तो इसे बंद तो कर ही नहीं सकते हम। साथ ही साथ इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमें इसे यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि हम एक सर्वर में सस्ते आइटम यूज कर लें अभी और एक महीने बाद फिर हम उसे चेंज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसमें सारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं जिससे उनका रेट बढ़ जाता है, उनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हर नॉर्मल आदमी एक सर्वर नहीं खरीद सकता, नहीं बना सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया इसे रेंट में ले लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो आप रेंट में लेके अपना काम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वहीं अगर मुझसे कोई बात कहनी हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।